किसी जगह एक नौसरबाज ठग रहा करता था। लोगों को अपने इर्द गिर्द जमा करना कह लें कि उसके बाएं हाथ का खेल था और उन्हें अजीबोगरीब सौदा बेचना उसका कमाल था। एक बार तो उसके सौदे ने समझ लें कि ऐसा रिवाज पकड़ा कि उसके वारे नहीं आ रही होगी। वारे नहीं आ रहे का मतलब समझते हैं ना। एक बार किसी अकलमंद शख्स या कह लें कि दाना का उसके शहर से गुजर हुआ। शहर में चल रहे उस नौसरबाज के कारोबार से मचे शोर शराबे से उस दाना शख्स को भी बड़ी हैरत हुई। उसको पूछने पर पता चला कि ये बंदा जो है ये लोगों को जन्नत में ज़मीन का टुकड़ा बेचता है और मिल्कियत के कागजात बनाकर देता है। नौसरबाज जब लोगों को ज़मीन का टुकड़ा फरोख करता तो उन्हें झूठी तसल्ली देते हुए कहता कि आपने जो जन्नत का एक टुकड़ा खरीदा है ना, जन्नत में ये ज़मीन खरीद रखी है, जब आप अपने मरने पर मिल्कियती कागजात अपने साथ दफना देंगे तो आप लोग सीधा जन्नत में जाकर अपनी ज़मीन में रिहाइश इख्तियार कर लेंगे। अच्छा, शहर में जा रही उस बंदे के कारोबार से सभी खुश थे, जन्नत का टुकड़ा मिल रहा था और कोई भी इसके खिलाफ एक लफ्ज भी सुनने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि लोगों को जन्नत में ज़मीन मिल रही थी। अच्छा, वो जो अकलमंद शख्स था ना, उसने जब भी देखा कि बंदा तो लोगों को पागल बनाकर उनकी दौलत लूट रहा है तो उसने लोगों को बहुत समझाना चाहा, लेकिन लोग उसके खिलाफ एक लफ्ज भी सुनना नहीं चाहते थे। वो समझाता तो किसे समझाता और कैसे समझाता कि जो इस नौसरबाज से जन्नत में टुकड़ा खरीदता है दरअसल वो अपनी बर्बादी खरीदता है, अपनी आखिरत को ख़राब करता है। कुछ करने की लगन में उस दाना शख्स ने एक हल सोचा और उस ठग के पास जा पहुंचा और पूछा कि जन्नत का एक टुकड़ा कितने का मिलेगा। नौसरबाज ने कहा कि बहुत ही सस्ता, बस 100 दिनार का। दाना शख्स ने फिर पूछा, और अगर मैं दोजख में ज़मीन ख़रीदना चाहूं तो क्या भाव है। नौसरबाज बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा जी कोई मोल नहीं, मुफ्त में ले लो। दाना शख्स ने कहा नहीं, मैं इसे ख़रीदना चाहूँगा और इसके मिल्कियत जो कागजात है ना वो भी चाहता हूँ। उस ठग ने कहा कि अच्छा, तो मैं तुम्हें एक चौथाई दोजख 100 दिनार की देता हूँ जो कि जन्नत में सिर्फ एक टुकड़े की कीमत है। अच्छा, दाना ने पूछा कि अगर मैं पूरी जहन्नुम खरीदना चाहूँ तो कितने की दोगे। अब नौसरबाज ने कहा कि लाइए 400 दिनार दीजिए और पूरी जहन्नुम ले लीजिए और मैं आपको इसके मिल्कियत कागज़ भी बना के दूंगा अभी। दाना शख्स ने नौसरबाज को 400 दिनार देकर पूरी जहन्नुम खरीद ली और कागजात भी बनवा लिए और गवाहों के तौर पे जो इर्द गिर्द लोग थे, वो जो हुजूम लगा हुआ था, उनमें से ढेर सारे लोगों के दस्तखत करा लिए। अब क्या होता है जी, अब दाना ने रसीद वसूल करके लोगों से मुखातिब होकर कहा कि लोगों देखो ये कागजात मेरे पास है, मैंने पूरी जहन्नुम खरीद ली है, अब मैं किसी को भी इस जहन्नुम में से हिस्सा नहीं देने वाला और ना ही किसी को जहन्नुम में बसने की इजाज़त दूंगा क्योंकि मालिक मैं हूँ, मेरे पास कागजात है। तुम्हारे पास अब मरने के बाद कोई चारा ही नहीं है कि बस तुम लोग सीधा अब जन्नत में जा सकते हो क्योंकि जहन्नुम तो पूरी मेरी है। चाहे तुमने इधर के लिए कोई टुकड़ा खरीदा या नहीं खरीदा, जन्नत के लिए तुम जाओगे जन्नत में क्योंकि जहन्नुम पूरी मेरी है। अब नौसरबाज के गिर्द लगे लोगों के हजूम ने जब ये माजरा देखा कि उन्हें तो दोजख से मुफ्त में ही निजात मिल गई है तो उसे छोड़कर जाने लगे और अब जन्नत खरीदने का क्या फ़ायदा जब दोजख का ही खात्मा हो चुका है। अब नौसरबाज जो अपने आप को दोजख बेचने पर बड़ा अकलमंद समझ रहा था, उसे अब अंदाज़ा हुआ कि उसके साथ तो हाथ हो चुका है और उसका जन्नत बेचने का जो कारोबार है वो बंद हो चुका है। अब ना जी, इस कहानी में नौसरबाज शख्स ने लोगों को कहने के खूब पागल बनाया, दौलत समेटी, लेकिन आखिरकार उसका अंजाम अच्छा नहीं हुआ बल्कि दाना शख्स ने उसको बेवकूफ़ बनाकर उसके धंधे पर हमेशा 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 के लिए ताला लगा दिया। आलमी जो दौलत का हिस्सा है उसमें कहीं ज्यादा चाइना का हिस्सा है। चाइना इस वक्त 120 ट्रिलियन डॉलर के साथ आगे है और अमेरिका के सिर्फ 90 ट्रिलियन डॉलर है जिनकी वो मलकियत रखता है। तो देखिए ना, चीन मसला है ना, इंडिया बीच में फंस गया है दो चीजों में। एक तो वो अमेरिका का हलीफ है, हलीफ क्या खाक है, उसका करिंदा ही बनता है। इसराइल की तरह बनना चाहता, वो समझता जैसे इसराइल पर अनायत की थी। मैं इसराइल के पड़ोस में कोई चीन नहीं था, यहाँ चीन मौजूद है और वो उसके 1000 फौज बंकर बनाकर और अपनी बेहतरीन टेक्नोलॉजीज के साथ सारा असला वो खुद बनाते हैं, उनकी सरहद पे बैठे हुए हैं। और मतलब ये है कि उसके लिए अब दूसरा अंदर इतनी खराबी है और वो दिन ब दिन उसको बढ़ाते जा रहे हैं। अब सिखों से तो माफी मांगी है उसने जी, आज नरेंद्र मोदी ने, मगर सिख माफी देने के लिए तो तैयार नहीं है। आपको क्या ख्याल है, वो फौरन मान जाएंगे? उन्होंने कहा भाई साहब पहले वो कवानीन मनसूख करें, वादा किया उसने कवानीन मनसूख करें उसके बाद जाएंगे। इतना एतबार वजीर आजम का नहीं है
यही लड़ाका फौजी है, फौज में तो बेचैनी पाई जाती है। ये भी बताया जा रहा है नरेंद्र मोदी के ये इकदाम वापस लेने की, ये कवानीन को मंसूख करने की वजह हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जो इलेक्शन हैं वो भी हैं। आपको लगता है कि ये पॉलिसी कुछ काम करेगी ऐसे में जबकि मोदी का चेहरा बेनकाब हो गया, सिखों को भी पता है क्या वो करता है? देखिए ना, आप किसानों को मल्टी नेशनल कंपनियों के और बड़ी कंपनियों के रहमो करम पे छोड़ देते हैं तो किसान को अपनी जमीन से बड़ी मोहब्बत होती है, तो वो किसान अपनी जमीन तो नहीं छोड़ सकता और अपने आप को हालात के रहमो करम पे तो नहीं छोड़ सकता। उसमें सिख हरावल दस्ता थे लेकिन सारे किसान शामिल थे, जहां जहां किसान जो है, किसानों में आपको पता है कि वो कर्जे लेते हैं और खुदकुशी के वाकयात होते हैं और बड़ी बुरी हालत है किसान की बाद एतबार से, तो वो वापस उनको लेना ही पड़ेगा, इसके सिवा कोई चारा ही नहीं है। सही, दबाव बढ़ता चला जाएगा, वो एक ऐसे सर्कल में फंस गए हैं। पाकिस्तान का अब कुछ बिगाड़ नहीं सकते, S-400 में मिसाइल लेने के बावजूद भी पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए कि एक माज में दो मुल्कों से लड़ना पड़ेगा ना। देखिए, वार थिएटर तो होगा मोस्ट प्रोबेबली गिलगित बल्तिस्तान, अगर जहां खुदा न खासा होती है, होनी तो नहीं चाहिए, और मकबूजा कश्मीर और आजाद कश्मीर। तो इसकी सरहद में तो चीन बैठा हुआ है। कल तो ये इंडियन मीडिया से अफवाहें फैल रही थी कि गिलगित को चीन के हवाले कर दिया गया। एक साहब मुझे पूछने के लिए आया हॉस्पिटल में। अच्छा, मैं था, वो जरा चोट लग गई थी अंगूठे पे, यही वजह है कि मैं आ नहीं सका स्टूडियो में। तो वो पूछने के लिए कि गिलगित, तो दिलचस्प बात यह है कि उनका ताल्लुक फौज से था, जूनियर एक अफसर थे, गिलगित को चीन के हवाले कर दिया है। नहीं, सारी वो रेलवे के एक अफसर थे, वो अपने उसके हवाले कर दिया है। तो मैंने कहा भाई, चीनी पागल हो गए या पाकिस्तानी पागल हो गए? असल बात यह है कि लद्दाख में अरुणाचल की सरहद पे चीनी बैठे हुए हैं। ठीक है, ठीक है। वैसे अरुण साहब, S-400 मिसाइल की जो आप बात कर रहे थे, लद्दाख, मशरकी लद्दाख की तरफ चाइना ऑलरेडी इस मिसाइल को नस्ब करके बैठा है। कश्मीरियों के जब हम बात करते हैं तो कश्मीरियों को क्या अपनी स्ट्रगल का रास्ता बदलना होगा, किसी और तर्ज पे स्ट्रगल करना होगी, अपने आप को किस तरह से खड़ा करना होगा? सालों से लड़ रहे हैं, दहाइयों से लड़ रहे हैं वो। ऐसा होता है, देखिए, अलजायरियों ने अपनी जंग 100 साल से ज्यादा अरसे तक लड़ी, चीचन को यही मसला दरपेश है, चीन में जो मुसलमान हैं उनके बाद मसाइल हैं, जंगें इसी तरह लड़ी जाती हैं। बाद औकात हालात ऐसे नहीं होते, आलमी हालात कश्मीरियों के लिए आलमी हालात 9/11 के बाद नासाजगार हो गए। लेकिन एक बात ना भूलिए, अवामी तरीके नाकाम कभी नहीं होती, कभी अकलियत ने अक्सरियत पर तादेर हुकूमत नहीं की है, ये एक तारीखी उसूल है, उसूल कभी नहीं बदलते, यही तकदीर इलाही है। कश्मीरी डट के खड़े, आप देखिए बच्ची कैसी साफ उर्दू बोल रही है जी। वो तो कश्मीरी बच्ची है, मैं उर्दू तो नहीं पढ़ाई जा रही, तो फिर वो कितनी साफ उर्दू बोली। उर्दू उनकी जुबान है, इस्लाम उनका मजहब है, इंडिया से उनका नफसियाती तौर पर रिश्ता खत्म हो चुका है। कभी तारीख इंसानी में ऐसा हुआ ही नहीं था कि 40-50 लाख की आबादी पे 8-9 लाख फौज रखनी पड़े, हर खानदान पे एक, यानी आप समझ लेंगे एक फौजी मुकर्रर है। इसके बावजूद अगर कश्मीरी झुकने के लिए तैयार नहीं है, लोगों का ख्याल था अली गिलानी की वफात के बाद बूढ़े आदमी से चले जाएंगे वो, तो कश्मीर बदलना शुरू हो जाएगा। कश्मीर में तो कुछ भी नहीं बदला है, कश्मीर के तो लोग उसी तरह, हिकमत अमली के बारे में मैं नहीं कह सकता, वहां मकामी लोग ही उसका तय।